हे महाराज, सुमंत जी आ रहे हैं। क्या सुमंत जी आ रहे हैं? महाराज की जय हो। हे मंत्री सुमंत, क्या मेरे राम को लेकर आए हो? बोलो बोलो मंत्री, चुप क्यों हो मंत्री सुमंत? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो मंत्री? हे महाराज, क्या कहूं क्या कहूं? क्या साथ लेकर आए हो? क्या छोड़ वनों में आए हो? हे मेरे प्यारे मंत्री, तुम इतने क्यों घबराए हो? बोलो बोलो मंत्री जी, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ आए मंत्री? हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है महाराज। क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं। लेकिन बिन बताए महाराज अब रहा जाता नहीं। 14 वर्ष तक अवध में वो लौट कर अब नहीं आएंगे। जान अपनी दे देंगे मगर वचनों से नहीं जाएंगे। नहीं नहीं मंत्री, नहीं ऐसा मत कहो मंत्री। ये अभागा दशरथ एक नारी की हाथ की कठपुतली बन गया है। हे मंत्री, मुझे मेरे राम के पास ले चलो। हे राजन, धरी धीरे जो उठी बेटी बुआलो, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनऊ कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र मधु में दे, सिया राम जय राम जय राम। हे राजा, आपको तो ध्यान होना चाहिए। आपके पुत्र राम ने सब कुछ त्याग कर धर्म का पालन किया है। हे गुरुदेव, यह सब कुछ कह देना सरल है, परंतु निभाना बहुत कठिन है गुरुदेव। कठिन समय में धैर्य की परीक्षा होती है राजन। हे महाराज, शांति से 14 वर्ष बिताए, आखिर एक दिन वह भी आएगा जब इस अभागी अयोध्या को श्री राम जी के दर्शन मिल जाएंगे। ठीक कहते हो सुमंत, 14 वर्ष बाद अयोध्या को अवश्य राम मिल जाएगा, मगर अफसोस दशरथ वह दिन नहीं देख पाएगा। महाराज धीरज रखिए। हे मंत्री, अब तो अंतिम आस भी टूटने वाली है।
किस तरह धीरज धरूं और कौन सी आंच है, मैं तड़पता ही रहूंगा जब राम नहीं मेरे पास। तापस अंध सांप सुती आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। जान जाई पर वचन न जाई। मंत्री मुझको बतला दो, मुझको बतला दो, प्राणों के प्यारे राम कहाँ, सीता सीता राम लक्ष्मण, ये मेरे सुख धाम कहाँ। ले चलो मेरे राम के पास, क्यों करते हो देर, युग के समान बीत रहा है, निकल न जाए जान मेरी। हे प्राणनाथ, न जाने कौन से वन में गए राम लक्ष्मण जानकी, कौन जाने क्या अवस्था है होगी मेरे प्यारे राम की। हा मेरी प्यारी कौशल्या, हे कौशल्या तुम कहाँ हो कौशल्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्रों की ज्योति गई कौशल्या, क्या कहते हो। अरे ये कौन है, श्रवण कुमार बूढ़े के अंधों का सहारा, श्रवण कुमार नहीं नहीं महाराज, मैं सुमंत महाराज, श्रवण नहीं। हे महारानी, एक समय की बात है, मैं शिकार खेलने गया हुआ था, वो नृप दशरथ रुदा ने मचाए, कौशल्या रानी के रही प्यारे तुम धीरे धरो। नृप दशरथ रुदा ने मचाए, कौशल्या रानी के रही प्यारे तुम धीरे धरो। ये एक दिन आगी बात याद आ गई है, हो प्यारी हो प्यारी, को तारे पाचर देखे दो नरे नारी, एर छोटर पाकू पेड़ खड़ा चौकान मिला नक थोड़ा, और एक पेड़ के नीचे माई घोड़ा कर दिया काटा। हे बेटा हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ बेटा। ये माता और पिता, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ।
हो बेटा सरवण पानी डोपी लाई मन में बेटा प्यास लगी ओ बेटा सरवण हो बेटा सरवण पानी डोपी लाई मन में लाला प्यास लगी आवाज कहाँ से आ रही है मालूम पड़ता है कोई हिंसक जानवर नदी पर पानी पीने आया है। मैं अभी शब्द वेदी बाण से उसे मार गिराता हूँ। अरे ये क्या मेरे माता पिता अरे आप आगे श्रवण का अंतिम प्रणाम स्वीकार करना अरे हो गया समय कैसे ये अरे काल ग्राहक जान का अरे बाण भारी है लगा अरे सीने में मेरे बाण का आई का तिल तेरा क्या बिगाड़ा कीरतीने में जो तूने भूपाल मेरे निकले सारे प्राण जो माता पिता का त्याग सो सुहे भजन गानी को तो गुरे तो प्राणी को जय जो खेव ये सुनई थी के बिन की कौन करे वो सेव वो कुमारो आयो मैं तो जल लेबा ओ आयो जल लेबा कहती जो रे पिता से बैठे होंगे उनको पानी तो पिला अति हो मेरे माता पिता हाय पिताजी कौन अंधों के आधार श्रवण हाय मैंने क्या कर दिया हे अभागे दशरथ ये तूने किसको बाण मार दिया क्यों मला टूटी मुझ पर और धनुष बाण पर तोड़ डाला जुल्मी पापी बेकसूर की जान पर मेरे माता पिता अरे अब आपका आज्ञाकारी पुत्र समाप्त होता है हे सर्वण कुमार अरे कौन दशरथ अरे अयोध्या नरेश महाराज प्रणाम मेरे माता पिता सुन रहे हैं कान में इस निर्दोष के परिणाम को हाय दशरथ कर दिया तूने बदनाम कुल के नाम को अरे अयोध्या नरेश अरे इतना पश्चाताप महाराज
अरे आपने तो जंगली पशु समझकर अरे बाण मारा है, अरे फिर भागने के आगे अरे किसका इशारा है। हे विधाता, चाहता हूँ अब दया ये आपकी, आह अरे जन्म लू जिस योनि में, अरे सेवा करूँ माँ बाप की, आह। हे सर्वण, आह पितु भक्त सर्वण, कुछ तो बोलो, क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? इस क्या इस अन्याय से तुम बदला नहीं लोगे? कदापि नहीं महाराज। अच्छा तो इतना ही करो, इस अभागे दशरथ की कोई सेवा ही ले लो। हे महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है, अरे दूसरी ओर अरे माता पिता प्यास से अरे तड़प रहे होंगे, अरे जल उन्हें पिला देना जाकर, अरे मत कहना हम मरते हैं। आह मेरे माता पिता, मैं जाता हूँ। आह मेरे माता पिता, आह अरे महाराज, अरे महाराज कहाँ जाते हो? अरे ये बाण तो निकाल दे जाओ महाराज। आह मेरे माता पिता, आह मेरे महाराज, आह अरे माता पिता, क्षमा कर दीजिए शरण, क्षमा कर दीजिए। मेरे बेटे को गए हुए बहुत देर हो गई, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ। बेटा श्रवण जल्दी आओ, आते होंगे। बेटा श्रवण तुम कहाँ हो? मन हुआ बेचैन अब, तोड़ो न हमारी आस को, ध्यान में बेटा हम तेरे, भूल बेटे प्यास को। आह क्या कहूँ, इन बेचारों को कैसे बताऊं? हो रहे लुलीन कितने, पुत्र के ही ध्यान में, क्या करूं क्या करूं तू शांति इन्हें, अभी इन्हें भगवान में। बेटा पानी लाने में इतनी देर क्यों की? ओ पिताजी जल लो। है बेटा ये तेरी आवाज को क्या हो गया? पहले आप जल पी लीजिए। नहीं नहीं, अरे तुम कौन हो? हमारा श्रवण कहाँ है? वह चला गया। कहाँ? वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे ना श्रवण री बोल कही दे, ना श्रवण री चा, न
ना सरवणरी बोल कही जे ना सरवणरी चा। मात पिता तो स्वर्ग सिधारा दशरथ ने ये दो वटे श्राप मन में बेटा प्यासी लगी ओ बेटा। तुम दोनों का अब शिव को सिधारा है, तुम्हारे पुत्र को मैंने क्या इन्हीं हाथों से मारा है। अरे जीवन का सहारा पुत्र गया, अपना न कोई संसार में। अरे हम दोनों की दुखियों की नौका अब डूब रही मझधार में। बेटा और तीर नहीं है क्या? हाय पापी, अरे किसके सहारे जिएंगे हम? अरे बेटा सरवा, महामते अभागा दशरथ आपके सामने खड़ा है, जो चाहे दंड दे दीजिए, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। मैंने तो जंगली पशु समझकर आपका सहारा हमेशा के लिए छीन लिया है, तो कान खोल कर सुनो अयोध्यापति, सुन विलाप हम दोनों का। अभिशाप लगेगा तुमको, कर साप ग्रहण अब हम दोनों का। अरे बेटा मृत्यु एक साथ, झूठा भी अगर ये साफ हो जाए तो भी दशरथ तो सच्चा हो। उसी साप के कारण ये मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हे कौशल्या, श्रवण के माता पिता का वो श्राप आज पूर्ण होने को आ रहा है। सुनकर विलाप उन दोनों का, आ बेटा राम, बेटा राम, तुम लौट आओ बेटा राम। बहुत दिन बीते जान की लखरे हार गुमरी, आप तो ही
राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम मारे मारे कर्मों की है ये माया।